आज हम MDS यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम के अनुसार जो प्रथम वर्ष वाणिज्य में व्यावसायिक प्रशासन का जो द्वितीय पेपर है व्यापारिक विधि बिजनेस लॉ, उसमें अनुबंध की परिभाषा एवं आवश्यक तत्व के बारे में बात करेंगे। अनुबंध संविदा का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बात करेंगे। अनुबंध को संविदा भी कहा जाता है। सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले वैध ठहराव या करार को ही अनुबंध कहते हैं, किंतु कानूनी पहलू पर ध्यान देने वाले लोग बद्ध करने वाले ठहराव को अंग्रेजी में बाइंडिंग बाइंडिंग एग्रीमेंट को ही अनुबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक ऐसा ठहराव जो पक्षकारों को वैधानिक दायित्व एवं अधिकार उत्पन्न करता है, अनुबंध कहलाता है। अनुबंध शब्द को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है, तो हम अनुबंध की परिभाषा देखेंगे। न्यायमूर्ति सामंत कहते हैं कि अनुसार अनुबंध ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है तथा उनकी व्याख्या करता है, यानी उत्पन्न करता है और वो क्या दायित्व हैं उनको समझाता है। दूसरी परिभाषा है लॉर्ड हॉल्सबरी के अनुसार अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ठहराव है जिसे कानून द्वारा प्रवर्तित यानी लागू करवाने के उद्देश्य से, प्रवर्तित का मतलब लागू करवाने के उद्देश्य से किया जाता है, जो किसी पक्षकार द्वारा किसी कार्य को करने अथवा करने से विरत रहने के प्रस्ताव की स्वीकृति देने से निर्मित होता है। तो विरत रहने का मतलब यह है वो कार्य की मनाही। तीसरा है ब्लैक स्टोन के शब्दों में अनुबंध किसी विशेष कार्य को करने अथवा नहीं करने का ठहराव है जिसमें पर्याप्त प्रतिफल होता है। यहाँ प्रतिफल की बात ब्लैक स्टोन ने जोड़ी है। सर विलियम एनसन के मतानुसार अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया ठहराव है जिसे राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है तथा जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक पक्षकारों को दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। एक प्रसिद्ध अंग्रेज न्यायाधीश सर फ्रेडरिक पोलॉक ने बहुत ही संक्षिप्त सी परिभाषा दी है। उनके अनुसार प्रत्येक ठहराव तथा वचन जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो यानी लागू किया जा सके अनुबंध है। न्यायाधीश लीक के शब्दों में अनुबंध वैधानिक होने की दृष्टि से एक ऐसा ठहराव है जिसके द्वारा एक पक्षकार कुछ निष्पादन करने के लिए बाध्य होगा जिसे प्रवर्तित करवाने के लिए दूसरे पक्षकार को वैधानिक अधिकार होगा, यानी नहीं करे तो वैधानिक रूप से उसको लागू या पालना या अनुपालना या पूरा करवाया जा सकता है। किंतु न्यायमूर्ति स्टोरी ने एक ऐसी परिभाषा दी है जिसमें उन्होंने अनुबंध के अनेक महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश किया है
उनके शब्दों में अनुबंध सक्षम पक्षकारों के बीच प्रतिफल के आधार पर किसी कार्य को करने अथवा उससे विरत रहने की स्वैच्छिक प्रतिज्ञा है। दोनों बातें हैं, कार्य को करने की भी प्रतिज्ञा हो सकती है, कार्य को करने से रुकने की प्रक्रिया भी हो सकती है, ऐसी प्रतिज्ञा हो सकती है। तो हम ये परिभाषाओं में देखें कि दो तत्व कौन कौन से आए। एक तत्व आया अनुबंध, एक ठहराव है जो प्रस्ताव की स्वीकृति देने से उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं अनुबंध बराबर ठहराव धन जोड़ प्रवर्तनीयता। सेकंड जो है वह है, दूसरी बात जो निकल के आती है, यह ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है, यानी राजनियम उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, लागू करवा सकता है, तथा पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व भी उत्पन्न करता है। इसके अलावा भी वैध अनुबंध के बहुत सारे इन परिभाषाओं में भी ऐसे लक्षण हैं जो अनुबंध के लक्षण हैं, लेकिन इन परिभाषाओं में नहीं आए हैं। ऐसे हैं तो वो अब इसको एक निष्कर्ष के रूप में हम उन बातों को जोड़ते हुए अर्थ को देखेंगे। अनुबंध अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसा ठहराव है जो किसी कार्य को करने अथवा विरत रहने के प्रस्ताव की स्वेच्छा से स्वीकृति देने से उत्पन्न होता है। ऐसे ठहराव में सामान्यतः यानी मोस्टली प्रतिफल भी पाया जाता है, अपवाद जरूर है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। इसके परिणाम स्वरूप पक्षकारों के आपसी अधिकार एवं दायित्व उत्पन्न होते हैं जिन्हें कानूनी रूप से प्रवर्तित करवाया जा सकता है। अब आते हैं अपन अगली बात पे। यह हुआ कि अनुबंध का अर्थ क्या है, यानी वो ठहराव जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो, और ठहराव का मतलब होता है कोई व्यक्ति इच्छा व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति उसकी स्वीकृति देता है, सहमति देता है, तो वो क्या बन जाता है, ठहराव बनता है। और ठहराव के बारे में आगे अपन इसके जो चैप्टर होगा उसमें और जानेंगे। अब है वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व अथवा लक्षण। वैध अनुबंध के कुछ लक्षणों का संकेत तो हमने अनुबंध की परिभाषा में ही देख लिया है, धारा 2H में। 2H में जो बात बताई गई है वो है कि 2H के अनुसार अनुबंध एक साथ ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है, ये इसमें बताया गया है। तो कुछ लक्षण तो इसमें आ गए, लेकिन इस धारा के अनुसार तो सभी ठहराव 10 में भी बताए गए हैं। अधिनियम की धारा 10 में भी वैध अनुबंध के लक्षणों के संबंध में लिखा गया है, इस धारा के अनुसार सभी ठहराव अनुबंध हैं यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है, जो वैधानिक प्रतिफल तथा वैधानिक उद्देश्य से किए जाते हैं, और जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस धारा में यह भी लिखा कि यदि भारत में प्रचलित किसी रजिस्टर्ड राजनियम द्वारा अनिवार्य हो तो ठहराव कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तथा रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। धारा 2H, धारा 10 तथा अन्य धाराओं या अन्य परिभाषाओं के अनुबंध करने से महत्वपूर्ण कई लक्षण प्रकट होते हैं। इनके अतिरिक्त न्यायालयों ने समय समय पर दिए गए निर्णयों के आधार पर भी कई लक्षण जो है वो अनुबंध के स्पष्ट हो जाते हैं। तो वो लक्षण हैं वो लक्षण हैं पहला लक्षण है एक से अधिक पक्षकार। वैध अनुबंध का प्रथम आवश्यक तत्व यह है कि उसमें दो या दो से अधिक पक्षकार होने चाहिए। इन दो पक्षकारों में एक प्रस्तावक या वचनदाता तथा दूसरा प्रस्ताव ग्रहीता तथा वचन ग्रहीता कहलाता है। प्रस्तावक प्रस्ताव रखता है और प्रस्ताव ग्रहीता उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। जब प्रस्ताव ग्रहीता उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वैध अनुबंध का निर्माण होता है।
इस प्रकार एक अनुबंध में कम से कम दो पक्षकारों का होना अनिवार्य है। दूसरा जो विशेषता है वो है, आप देख रहे हैं, वो है प्रस्ताव एवं स्वीकृति अर्थात वैध ठहराव। वैध अनुबंध के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व यह है कि पक्षकारों के बीच ठहराव होना चाहिए। ठहराव का जन्म प्रस्ताव की स्वीकृति देने से होता है, अतः ठहराव करने के लिए विधिवत प्रस्ताव किया जाना चाहिए। तत्पश्चात इस प्रस्ताव की विधिवत स्वीकृति भी दी जानी चाहिए। ये भी बता देना चाहूँगा कि यदि दो पक्षकार एक ही समय पर एक ही वस्तु के लिए क्रमशः क्रय विक्रय के लिए प्रस्ताव करते हैं तो इससे ठहराव का निर्माण नहीं होता, तो ये क्या कहलाएगा, प्रति प्रस्ताव कहलाएगा, और समान प्रकार के प्रति प्रस्ताव अनुबंध का निर्माण नहीं करते हैं। तीसरा है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। यदि दो पक्षकार आपस में कोई ऐसा ठहराव करते हैं जिसका उद्देश्य या मंतव्य आपस में किसी प्रकार का वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है तो वह ठहराव वैध अनुबंध नहीं बन सकता है। व्यवहार में जब हम कहीं ऐसे ठहराव करते हैं जैसे साथ घूमने जाना, खाना खाने का ठहराव और पार्टी का ठहराव, कार्यालय जाना, सिनेमा जाना, ऐसे ठहरावों का उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है। यदि कोई साथी या कोई पक्षकार इसमें साथ न दे तो दूसरे साथी या साथियों को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होता है। वैध अनुबंध के लिए पहले से ही दोनों पक्षकारों के मस्तिष्क में ये बात निश्चित होनी चाहिए कि उन्हें एक दूसरे के प्रति कुछ कानूनी अधिकार होंगे, और यदि इनमें से कोई पक्षकार अनुबंध को पूरा नहीं करेगा तो न्यायालय द्वारा पूरा करवाया जाएगा। इसको प्रवर्तन कहते हैं। हाँ, फिर है चौथा है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। वैध अनुबंध के वैध होने के लिए यह भी आवश्यक है कि अनुबंध करने वाले पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। सामान्यतः अवयस्क व्यक्ति, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति और राजनियम द्वारा अनुबंध करने के योग्य व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं। अवयस्क तथा अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के द्वारा किए गए अनुबंध व्यर्थ होते हैं, किंतु यदि अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति उस समय अनुबंध करता है जबकि वह स्वस्थ मस्तिष्क का है तो उसके द्वारा किया गया अनुबंध वैध हो सकता है। धारा 12 में ये बताया गया है, राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति के साथ किए गए अनुबंध को प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है, उसमें राष्ट्रपति, मंत्री, दिवालिया जो है वो हैं उनके साथ नहीं होता, अनुबंध हो गया तो परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है क्योंकि उनको न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है। फिर है सहमति तथा मतैक्यता, ये महत्वपूर्ण है। वैध अनुबंध के लिए पक्षकारों की सहमति या मतैक्यता का होना भी परम आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि ठहराव के सभी पक्षकारों को ठहराव की प्रत्येक बात के लिए समान भाव से सहमत होना चाहिए। धारा 13 में बताया गया है, यानी कोई विषय वस्तु या कोई जो है उसमें अगर भेद है, कोई अब दिमाग में अगर मतैक्य नहीं है तो वो फिर अनुबंध नहीं माना जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो फिर है अगला पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। वैध अनुबंध के लिए सहमति या मतैक्यता का ही होना आवश्यक नहीं है सिर्फ, बल्कि वह सहमति भी पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए। यदि शारीरिक एवं मानसिक दबाव अथवा धोखे, भ्रम तथा गलती से अनुबंध के लिए सहमति दी जाती है तो वह स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती। इसका अलग से चैप्टर है, फिर भी मैं बता दूं कि अगर कोई सहमति अगर उत्पीड़न से है, अनुचित प्रभाव से है, कपट अथवा धोखे से है, मिथ्या वर्णन से है या गलती के आधार पर सहमति होने से हो गया है तो वह स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती। फिर है वैधानिक प्रतिफल। वैध ठहराव के लिए वैध प्रतिफल का होना आवश्यक है। बिना प्रतिफल के ठहराव सामान्यतः व्यर्थ ही होते हैं। प्रतिफल का मतलब कुछ के बदले कुछ, समथिंग इन रिटर्न है। दूसरे शब्दों में प्रतिफल वह कोई वस्तु है
कार्य या वचन है जो वचनदाता को अपने वचन के बदले वचन गृहीता से प्राप्त होता है। वास्तव में यह वचन गृहीता तथा वचनदाता के वचन का मूल्य है। वह नकद या किसी अन्य रूप में भी हो सकता है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जा सकता है, या नकद या किसी अन्य रूप में भी हो सकता है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जा सकता है। वह किसी एक पक्षकार के लाभ अधिकार के रूप में होता है और दूसरे पक्षकार के लिए हानि अहित त्याग का हित या त्याग का हो सकता है। यह वर्तमान भूतकालीन या भावी हो सकता है और इसका अलग से भी आपको अलग इसका चैप्टर है पूरा प्रतिफल के बारे में, यानी लगभग सभी विशेषताओं का जो है अलग से चैप्टर भी आएगा, उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। फिर है वैधानिक उद्देश्य। अनुबंध की वैधता के ठहराव के उद्देश्य का भी वैध होना आवश्यक है। जैसे अगर मान लो कुछ ऐसे ठहराव जैसे मैं बता रहा हूँ जिनको उद्देश्य विधि विरुद्ध माना जाता है धारा 23 में, वो व्यर्थ होते हैं। जैसे यदि वह ठहराव राजनियम द्वारा वर्जित है, जैसे बिना लाइसेंस किए शराब का व्यापार करने का ठहराव। दूसरा, यदि यह वह ठहराव ऐसा है जिससे कानून की व्यवस्थाएं निष्फल या प्रभावहीन हो जाती है, जैसे किसी मौद्रिक प्रतिफल के बदले दूसरे की संतान को गोद लेने का ठहराव करना विधि विरुद्ध है, क्योंकि ऐसे ठहराव से हिंदू विधि की व्यवस्थाएं निष्फल हो जाती हैं। तीसरा, जैसे यदि वह ठहराव कपटपूर्ण उद्देश्य से किया गया है। अगली बात, यदि वह ठहराव, चौथी, यदि वह ठहराव किसी व्यक्ति या संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला है। अगला, यदि वह ठहराव अनैतिक है, जैसे कोई गलत काम करने वाले को मकान किराए पे देना, अवैध काम करने वाले को। यदि ठहराव लोक नीति के विरुद्ध है, जैसे रिश्वत से परीक्षा में पास करने या कोई पदवी या अलंकरण को रिश्वत दे के प्राप्त करने का। फिर अगली बात जो है नौवां पॉइंट है विशेषता में अनुबंध के लक्षण में। अनुबंध का एक लक्षण यह है कि उसमें निश्चितता पाई जाती है। जिस ठहराव में अनिश्चितता पाई जाती है वह ठहराव अनुबंध नहीं बन सकता। जिन ठहरावों का अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता, भ्रमित करने वाला हो, उन्हें भी प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। फिर है निष्पादन की संभवता। वैध अनुबंध वह है जिसमें पक्षकारों द्वारा निष्पादन किया जा सकते। यदि किसी ठहराव का निष्पादन करना असंभव हो तो वह ठहराव व्यर्थ होगा। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिन्हें निष्पादित करना प्रारंभ से ही असंभव होता है। दूसरी ओर कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिनको करते समय तो निष्पादित करना संभव होता है, किंतु बाद में कुछ परिस्थितियों के कारण निष्पादन करना असंभव हो जाता है। यह उल्लेखनीय है कि निष्पादन की ऐसी असंभवता तभी उत्पन्न हुई मानी जाती है जबकि पक्षकार के लिए उसका निष्पादन करना बिल्कुल भी असंभव हो जाए, न कि केवल अत्यंत कठिनाई या महंगा। फिर है ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव में नहीं हो। हमारे देश के अनुबंध अधिनियम की कुछ धाराओं के अंतर्गत कुछ ठहरावों को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है। यदि कोई ठहराव उन ठहरावों में से हो तो वह कभी भी वैध नहीं हो सकता है। अतः ठहराव की वैधता के लिए आवश्यक है कि ठहराव उन ठहरावों में से नहीं होना चाहिए जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर रखा है। उदाहरण के लिए अवैध तथा अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के साथ किए गए ठहराव, बिना प्रतिफल वाले ठहराव, अवैधानिक उद्देश्य तथा प्रतिफल के ठहराव, वयस्क व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव, असंभव कार्यों के ठहराव, बाजी के ठहराव आदि कुछ स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है। इसका एक अलग से चैप्टर भी है। और एक बात यह है वैधानिक औपचारिकताओं का पालन, इसको आप लास्ट पॉइंट समझ लीजिए। वैधानिक औपचारिकताओं का पालन, अनुबंध लिखित साक्षी तथा प्रमाणित तथा रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि किसी संबंधित अधिनियम द्वारा ऐसा करना अनिवार्य कर दिया गया है तो, किंतु जहाँ किसी राजनियम द्वारा ऐसी औपचारिकताएं नहीं लगाई गई हैं वहाँ पर अनुबंध को किसी भी रूप में प्रवर्तित राजनियम द्वारा करवाया जा सकता है। अनुबंध सामान्यतः लिखित, मौखिक तथा गर्भित किसी रूप में हो सकता है, किंतु
यदि पक्षकारों ने यह तय कर लिया कि ठहराव लिखित रूप में ही होगा तो ऐसी दशा में ठहराव का लिखित होना अनिवार्य हो जाता है। इसी प्रकार जब ठहराव किसी विशेष अधिनियम द्वारा प्रभावित होता है तो उस विशेष अधिनियम के नियमों प्रावधानों के अनुसार ठहराव के संबंध में सभी औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 के अनुसार सरकार के साथ किए जाने वाला प्रत्येक ठहराव लिखित रूप से होना आवश्यक है, किंतु आपसी पत्र व्यवहार के द्वारा हुए ठहराव को भी लिखित ठहराव के रूप में माना जा सकता है। इसी प्रकार पंच निर्णय कानून के अनुसार पंच निर्णय ठहराव लिखित होना चाहिए। उसी प्रकार स्वाभाविक प्रेम स्नेह से प्रेरित अनुबंध भी लिखित एवं पंजीकृत होना चाहिए। इसी प्रकार संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार 100 रुपये या अधिक मूल्य की स्थायी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए अनुबंध लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित तथा रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य कई अधिनियमों के अनुसार कुछ ठहरावों के लिए कुछ औपचारिकताएं निश्चित कर दी हैं। ठहरावों को वैधता प्रदान करने के लिए उन औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक हो जाता है, और ये जो जितनी भी विशेषताएं हैं वो वैध अनुबंध में एक साथ पाई जाती है, तभी एक साथ पाया जाना आवश्यक भी है। अगर इनमें से कोई एक तत्व का भी अभाव है तो वह वैध ठहराव नहीं माना जाएगा। अगर वो निश्चित नहीं है, अगर निष्पादन की संभवता नहीं है, या स्वतंत्र सहमति नहीं है, यानी ये सभी आवश्यक हैं, ऐसा नहीं कि कुछ आवश्यक नहीं है। धन्यवाद।